नमस्ते दोस्तों, तो इस वीडियो में आईपीएल का 28वां मैच पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच में होने वाला है। तो इस मैच का मैं आपको स्मॉल लीग टीम प्लस ग्रैंड लीग टीम दोनों प्रोवाइड करने वाला हूँ, प्लस आपको बना के दिखाने वाला हूँ कैसी टीम बनती है। तो वीडियो भी बने रहे, वीडियो को फुल देखे। ये मैच होने वाला है डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में। तो डीवाई पाटिल का स्टेडियम कैसा है, कैसा बिहेव कर रहा है पिच वहाँ का, तो ये बैलेंस पिच है अभी तक। वहाँ पर ज़्यादा स्कोर रन नहीं बन रहे, प्लस विकेट भी गिर रहे हैं, तो इस हिसाब से बैलेंस पिच है। यहाँ पे बैट्समैन ज़्यादा चलने वाले नहीं है, प्लस बॉलर और ऑलराउंडर को लेके आपको चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम टीम बनाएंगे। उससे पहले स्टेटस देख लेते हैं इस पिच पे किसने कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए, तो स्टेटस देख लेते हैं पहले, उसके बाद ही हम टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद की तरफ से एस शर्मा ने, अभिषेक शर्मा ने 43 रन पर मैच के हिसाब से रन बनाए हैं। इनका स्ट्राइक रेट 139 है। उसके बाद शिखर धवन ने एक मैच में 43 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 148 है। उसके बाद आते हैं भानुका राजभक्षण ने वन मैच में 43 रन बनाया है, उनका स्ट्राइक रेट 195 है, वो जो कि बहुत ही तगड़ा है। उसके बाद केन विलियमसन आते हैं, इन्होंने 35 रन बनाए हैं 3 मैच में, उनका स्ट्राइक रेट है 102। उसके बाद राहुल त्रिपाठी जाते हैं, 3 मैच में 33 रन पर मैच के हिसाब से रन बनाए हैं, 178 इनका स्ट्राइक रेट है। मयंक अग्रवाल आते हैं, एक मैच में 32 रन बनाए हैं, 133 इनका स्ट्राइक रेट है। तो ये रहा दोनों ही टीम के बैट्समैन का स्ट्राइक रेट प्लस कितने मैच में कितने रन बनाए हैं। तो यहाँ से हम स्टेटस पता कर लिए। अब आते हैं बॉलर को देख लेते हैं किसने कितने विकेट लिए। तो यहाँ से सनराइजर हैदराबाद के टी नटराजन ने 3 मैच में प्रति मैच 2 विकेट के हिसाब से विकेट लिए हैं। ये ध्यान में रहना चाहिए आपको कि 3 मैच में प्रति मैच 2 विकेट के, मतलब पर मैच एक मैच में 2 विकेट ले रहे हैं, उसके हिसाब से विकेट ले रहे हैं। तो इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही अच्छे विकेट टिकर बॉलर हैं, विकेट भी ले रहे हैं, तो इनको आपको लेके चलना है। उसके बाद आते हैं वाशिंगटन सुंदर, 3 मैच में 1.3 के एवरेज से विकेट लिए हैं, मतलब एक मैच में 2 या 1 विकेट ले रहे हैं प्रति मैच के हिसाब से, तो इनको भी आपको लेके चलना है। उसके बाद राहुल चहर आते हैं, एक मैच में 1 विकेट, मतलब एक मैच में एक विकेट लिए हैं अभी तक, मतलब एक ही मैच खेले हैं इस पिच पे, तो इनको भी आपको ड्रॉप नहीं करना है, चूँकि आईपीएल में बहुत ही अच्छे खासे बॉलर हैं और चल रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं ए सिंह ने एक मैच में 1 विकेट लिया है, ठीक है। उसके बाद बी कुमार आ रहे हैं, बी कुमार ने 3 मैच में 1 विकेट लिया है, एक विकेट प्रति मैच लिया है, ठीक है। तो वी कुमार, भुवनेश्वर कुमार भी 3 मैच में प्रति मैच एक मैच में 1 विकेट ले रहे हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। उस हिसाब से आपको टीम बनाना है और सेलेक्ट करना है, जो अच्छे बॉलर हैं उनको आपको ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। प्रति मैच कितने विकेट ले रहे हैं उनको आपको ध्यान में रख के ही टीम बनाना है, और बैट्समैन को भी ध्यान में रख के ही प्रति मैच कितने रन बना रहे हैं उस हिसाब से आपको इनको ट्राई करना है टीम में, ठीक है। यहाँ से आपको बैट्समैन और बॉलर का स्टेटस पता चल गया। अभी नीचे आते हैं, टॉस जो विन करती है टीम बॉल फर्स्ट करती है, और जो टीम बॉल फर्स्ट करती है उसके जीतने के चांसेस है 60%। यहाँ से आपको इतना ये पता चल गया। अब हम टीम बनाते हैं, चलते हैं ड्रीम 11 पे। यहाँ से 2 बेस्ट पिक हैं, निकोलस फूरन, जे शर्मा, इन दोनों को आपको, दोनों में से किसी एक को ले कर चल सकते हैं या फिर दोनों को लेके चल सकते हैं, बट एक ही को लेके चलें, क्योंकि ये बैलेंस पिच है, तो बैलेंस पिच पे आपको एक ही बैट्समैन को, विकेट कीपर को लेके चलना पड़ेगा आपको, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मैं जे शर्मा के साथ जा रहा हूँ, निकोलस पूरन को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। लाइनअप आने के बाद हम ट्राई करेंगे टीम में, अगर प्लेयर बैटल ऊपर नीचे हुआ कुछ, तो कौन सा बैट्समैन ऊपर आ रहा है कौन सा नीचे आ रहा है, उस हिसाब से हम प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जय शर्मा है हमारी टीम में। उसके बाद बैट्समैन में आते हैं, तो बैट्समैन में
चूँकि बैलेंस पिच है तो यहाँ शिखर धवन है, शिखर धवन का स्टेटस हमने देखा ठीक है, तो इनको हम सिलेक्ट करेंगे। केन विलियमसन को अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट लाइनअप आएगा तो उसके बाद हम इनको ट्राई कर सकते हैं ठीक है। मयंक अग्रवाल को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ से राहुल त्रिपाठी का मैंने स्टेटस देखा जो कि बहुत ही अच्छा है, तो इनको लेके मैं चलता हूँ ठीक है। उसके बाद बी राजपक्षा है, अगर खेलते हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं टीम में, जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन है तो इनको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद आते हैं ए मार्करम में, ए मार्करम अगर खेलते हैं अच्छा इस मैच में अच्छा खेल, मतलब लाइनअप में अगर ऊपर नीचे कितने नंबर पे आ रहे हैं उस हिसाब से इनको सेलेक्ट करेंगे ठीक है। तो उसके बाद नीचे कुछ कोई है नहीं, बैलेंस पीछे चुके, तो यहाँ से मैं अभी के लिए यस खान को लेके चलता हूँ, जो कि नीचे डाउन पे बैटिंग करने आएंगे। तो ये इस पिच पे बैलेंस पिच पे जो नीचे डाउन पे बैटिंग करने आते हैं बैट्समैन, ऐसे बैट्समैन को आपको सेलेक्ट करके चलना पड़ता है। अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में लिविंगस्टोन को छोड़ नहीं सकते, चूँकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करेगा बंदा, तो वो यहाँ पे इसके चलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है और कैप्टेंसी का भी चांसेस है यहाँ पे। उसके बाद ओडियन स्मिथ है, ओडियन स्मिथ को छोड़ नहीं सकते, ये बैलेंस पिच है तो बैलेंस पिच पे विकेट लेने के चांसेस हैं, चूँकि विकेट टेकिंग बॉलर हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इनको भी आपको लेके चलना है ठीक है। उसके बाद आर सेफर्ड आते हैं, तो आर सेफर्ड अभी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे उस हिसाब से इनको सिलेक्ट करेंगे। ए शर्मा है, ओपनिंग कर रहे हैं प्लस बॉलिंग भी करा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, तो इनको भी ले के चल सकते हैं, चूँकि ओपनिंग करा रहे हैं तो इनको ले के चल सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, अगर खेलते हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं वरना छोड़ दें, अच्छे बॉलर हैं, इनको खेलेंगे तो लेना ज़रूर मत भूलिएगा ठीक है। उसके बाद नीचे कोई नहीं आते हैं यहाँ पे, यहाँ से राहुल चहर को छोड़िएगा मत, राहुल चहर को लेके चले, अच्छे बैट्समैन हैं प्लस अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद रबाड़ा आते हैं, रबाड़ा को भी लेके चलेंगे, चूँकि बैट बैलेंस पिच है यहाँ पे विकेट गिरने के चांस है। उसके बाद टी नटराजन, टी नटराजन को हम छोड़ नहीं सकते, टी नटराजन प्रति मैच दो विकेट ले रहे हैं तो इनको कैप्टन भी हम बना सकते हैं ठीक है, इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद नीचे एच प्रार खेलेंगे नहीं, ए सिंह खेलेंगे तो ट्राई कर सकते हैं ग्रैंडलिंग में, स्मॉलिंग में मत ट्राई करें, या शर्मा को भी ग्रैंडलिंग में ट्राई करें इसमें नहीं। उसके बाद नीचे आते हैं, यू मलिक आते हैं, बी कुमार है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम उसके बाद वी अरोड़ा है और नीचे यमसेन है, मार्को यमसेन है, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल नीचे कोई अच्छा पिक नहीं है ठीक है। तो यहाँ से अभी के लिए मैं यू मलिक के साथ जाता हूँ, तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम बन गई ठीक है। अब स्मॉल लीग की टीम बन गई, एक फेवरेट कैप टीम के साथ हमारी इस मोहल्ले की टीम बनी है, तो लाइनअप आने के बाद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इस मोहल्ले की टीम हमारी यही रहेगी। अब कैप्टन वाइस कैप्टन हमको सिलेक्ट करना है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कैप्टन मैं लिविंगस्टोन को बनाता हूँ, क्योंकि ये बंदा बैटिंग भी करता है प्लस बॉलिंग भी करेगा, अच्छा पॉइंट दे देगा, तो हमारे कैप्टेंसी का ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद टी नटराजन को मैं वीसी बनाता हूँ, क्योंकि ये बंदा दो विकेट ले रहा है प्रति मैच में, तो इसको मैं वीसी बना रहा हूँ ठीक है। तो ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन हो गए, बाकी आपको टीम जो है टेलीग्राम पे मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जुड़ जाएँ। ओके थैंक यू।